अरकाने इस्लाम में से एक रुकन करार दिया गया है, ईमान अरकाने ईमान में से एक रुकन करार दिया गया है, और वो रुकन बादल मौत है। यार इंसान ने मरने के बाद उठना है और जवाबदेही के लिए अपने रब के सामने पेश होना है। उस पेशगी के बाद फिर लोगों के दो ग्रोह हैं, कुछ लोग जन्नत के मालिक बनने वाले हैं, कुछ लोगों का ठिकाना जन्नत बागात और नहरें हैं, और कुछ लोगों का मकाम और मुस्तकर रहने की जगह ठहरने का मकाम वो जहन्नम की आग है। और ये भी बुनियादी मसाइल में से एक मसला है, मजहब इस्लाम के मानने वाले यकीदा रखते हैं कि जन्नत भी हक है और आग भी हक है। खालिक कायनात ने पैदा करने के बाद हमें अपने निजाम कानून दीन शरीयत का पाबंद किया, जिसने उन पाबंदियों को कबूल कर लिया, उस पैगाम को मान लिया, उसके पैगाम के सामने सर तस्लीम खम कर लिया, रब्बे जलाल के निजाम को कबूल कर लिया, उन कबूल करने वाले को मोमिनीन कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, फर्मा बरदार कहते हैं, मुती और ताबेदार कहते हैं, और इन मुती फर्मा बरदारों और ताबेदारों के लिए खालिक कायनात ने जन्नत तैयार की। और इसके मुकाबले में जो अल्लाह के निजाम को, अल्लाह के कानून को, रब्बे जलाल की शरीयत को, रब्बे जलाल की तरफ से आने वाले पैगाम को, खालिक कायनात के रसूलों को, अल्लाह जलाल की तरफ से उतारी गई किताबों को मानने को तैयार नहीं है, उसकी तरफ से लगाई गई पाबंदियों को अपने आप पर लागू करने को पर आमादा नहीं है, खालिक कायनात की तरफ से आयत करदा पाबंदियों को कबूल करने को तैयार नहीं है, जिन चीजों का खालिक ने मुझे आपको मुकल्लफ बनाया है मैं उस तकलीफ को कबूल करने को तैयार नहीं हूं, उसको काफिर कहते हैं, नाफरमान कहते हैं, उसको काफिर और नाफरमान कहते हैं, अल्लाह के हुक्म का इनकारी कहते हैं, रब्बे जलाल का मुनकर कहते हैं, और ऐसे काफिरों मुनकरों नाफरमानों के लिए खालिक कायनात ने सजा के तौर पे क्या तैयार किया है, आग और जहन्नम तैयार किया। और सिर्फ तैयार ही नहीं किया, रब्बे जलाल अपनी किताब में गाहे बगाहे अपने मोमिन बंदों को उस जहन्नम की आग से डराते रहते हैं कि मेरे बंदे ख्याल करना, शैतान तुझे मेरे रास्ते से भटकाने की पूरी कोशिश करेगा, रहरास से भटकाने की पूरी कोशिश करेगा, सरात मुस्तकीम से फिसलाने की पूरी कोशिश करेगा, और याद रख अगर तू उसकी बात मानेगा तो जहन्नम की आग में चला जाएगा, वो भी जहन्नम का ईंधन बनने वाला है, तू भी जहन्नम में चला जाएगा। और खालिक अपने बंदों को बड़े प्यार के साथ मुखातिब करके फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, और ईमान की दौलत सीने में समेटने वालों, अपने आप को मोमिन कहने वालों, अपने आप को ईमान वालों की सफ में शामिल करने वालों, मुती और फरमा बरदारों के ग्रोह में शुमार करने वालों, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऊ अन्फुसकुम वाहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा लो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से महफूज कर लो, और अपने बाल बच्चों को, अहलो अयाल को, घर वालों को भी जहन्नम की आग से महफूज कर लो। तो आग क्या है? वकूदुहन्नास वल हिजारा, ये आग तुम्हारी आग की तरह नहीं है जो तेल से, गैस से, लकड़ी से जलती है, जो आग मैंने लोगों को जलाने के लिए तैयार की है, जिस आग को लोग जलाते हैं उसका ईंधन तो तेल है, उसका ईंधन तो लकड़ी है, लेकिन जिस आग में मैंने लोगों को जलाना है, जो मेरे नाफरमान है, मेरी हुक्म अधूरी करने वाले हैं, मेरे पैगाम को रद्द करने वाले हैं, मेरी शरीयत से दस्तकशी करने वाले हैं, मेरे पैगाम को रद्द करने वाले हैं, जो मैंने उनको जलाने के लिए तैयार किया है,
وقودها الناس والحجارة उसका ईंधन और उसको जलाने के लिए वो पत्थरों से जलती है और लोग उसे जलते हैं। उसको भड़काने के लिए या पत्थर इस्तेमाल होंगे या फिर लोग इस्तेमाल। अलैहा मलाइकातुन गिलादुन शिदाद, उस जहन्नम पे दरोगे हैं जो सख्त किस्म के हैं, सख्त किस्म के हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह जो उनको हुक्म देता है वो अपने रब की नाफरमानी नहीं करते। व यफअलून मा युअमरून, जिस चीज का उनको आर्डर दिया जाता है वो कर गुजरते। दुनिया के करंदे और दुनिया के कारसाज, दुनिया के कंट्रोलर और दुनिया के निगरान शायद अपनी निगरानी और ड्यूटी में कोताही करते हुए कुछ नरमी कर देते हैं, कुछ नरमी कर देते हैं, शुरूत कम कर देते हैं, कोताही कर देते हैं अपने निजाम में, लेकिन जहन्नम के जो कंट्रोलर है और जहन्नम के जो निगरान है वो अल्लाह के हुक्म की हुक्मदूरी नहीं करते। या अय्युहल्लज़ीन कफरू, ऐ काफरो, ला तअतज़िरु अल्यौम, आज तुम उज़र पेश न करो, आज माज़रत न करो, आज तुम्हारा उज़र काबिले कबूल नहीं है। इन्नमा तुज़ौना मा कुंतुम तअमलून, जो तुम अमल करते थे उसका तुमको बदला दिया जाएगा। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, फत्तकुन नार लती वकूदुहन नास वल हिजारा, बचो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, जिसको काफरों के लिए तैयार किया गया है। कभी खालिद फरमाते हैं इसी आग का जिक्र करते हुए, यौम युसाबून फिन्नार अला वुजूहिहिम, याद करो उस दिन को जब लोगों को उनके चेहरों के बल घसीट के जहन्नम की आग में डाला जाएगा और मालिक इनाम करेंगे, दूकू मस्सस सखर, अब जहन्नम की गर्मी को, जहन्नम की लपट को, आग की लपटों को तुम चखो और आग की लपटों को बर्दाश्त करो। दूकू मस्सस सखर, लोगों को औंधे मुंह पकड़ के जहन्नम की आग में फेंका जाएगा और फिर जहन्नम की लपटें और जहन्नम की आग का मजा उनको चखाया जाएगा। रसूल करीम सल्लम ने भी लोगों को इस आग से डराते हुए बेशुमार नसीहतें की हैं। मैं भी उनमें से चंद नसीहतें आपके सामने रखने वाला हूं। हजरत अली बिन हातिम की ये रिवायत, सही बुखारी की हदीस, रसूल करीम सल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम अहदुन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु, तुम में से हर एक आदमी के साथ खाने के कायनात गुफ्तगू करेंगे, हर आदमी के साथ रब्बे दुजलाल कराम करेंगे, खाने के कायनात हर आदमी के साथ महवे गुफ्तगू होंगे, हर आदमी के साथ अल्लाह हम कलाम होंगे। वलैसा बैनहु, वलैसा बैनहु व बैन अल्लाह तर्जमान, अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान कोई तर्जमान भी नहीं होगा, बिल्कुल बिल मुशाफा गुफ्तगू होगी, आमने सामने गुफ्तगू होगी, खाले के कायनात खुद लोगों से गुफ्तगू करेंगे। फयंदु अयमन मिनहु फला यरा इल्ला मा कद्दम मिन अमलिहि, अपनी दाई तरफ आदमी देखेगा तो खाले के कायनात के सामने हम कलाम करते हुए, हम कलाम होते हुए, गुफ्तगू करते हुए दाई तरफ देखेगा तो उसको अपनी नेकी नजर आएंगे। और फला यरा इल्ला मा कद्दम मिन अमलिहि وَيَنْظُرُ أَشْمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ, और अपने बाईं तरफ देखेगा फिर उसको अपनी बुराइयां नजर आएगी। وَيَنْظُرُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ, और सामने देखेगा, فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ, तो अपने चेहरे के सामने उसको आग नजर आएगी, उसको आग नजर आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ قَمَرٍ, और मेरे उम्मतियों उस आग से बचो अगरचे खजूर की एक, खजूर के एक टुकड़े के साथ भी तुम्हें आग से बचने की तौफीक मिलती है तो उस एक टुकड़े को भी अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करके अपने आप को जहन्नम की आग से आज़ाद करो। फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, खजूर के एक टुकड़े के साथ भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो।
सही बुखारी की एक रिवायत के अनुसार यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जहन्नुम का जिक्र किया, आग का तज़किरा किया, और आग का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला से पना मांगते हैं कि अल्लाह तू मुझे उस आग से मुझे महफूज कर दे, अल्लाह इस आग से मैं तेरी पना में आता हूँ। और अल्लाह के नबी ने आग का जिक्र करने के बाद अपने चेहरे को पीछे कर लिया। फिर रसूल करीम ने आग का जिक्र किया और फिर अल्लाह ताला से पनाह मांगी कि अल्लाह मैं इस आग से तेरी पनाह में आता हूँ, और अपने चेहरे को पीछे कर लिया। साहबी कहते हैं मुझे शक है कि अल्लाह के नबी ने दो बार ऐसे किया या तीन बार ऐसे किया। और नबी मुअज्जम के चेहरे के पीछे हटने से हमें इस बात का अंदाजा होता है कि रसूल करीम अपनी आंखों से आग को देख रहे थे, आपको देख रहे थे। और फिर अल्लाह के नबी सल्लम फरमाने लगे, मेरी उम्मत के लोगों, फत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, अपने अपने आप को आग से बचा लो, आग से बच जाओ, आग से महफूज कर लो अपने आप को, जहन्नम से बचा लो अपने आप को, अगरचे तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा भी अल्लाह के रस्ते में खर्च करना पड़े, और उस खर्च करने से अल्लाह अगर तुमको जहन्नम की आग से बचा दे तो उसे भी खर्च कर डालो। फइल्लम तजिद फबिकलिमतिन तय्यबा, और अगर तेरे पास खर्च करने के लिए खजूर का एक हिस्सा मौजूद नहीं है, फबिकलिमतिन तय्यबा, फिर अच्छी गुफ्तगू के साथ, अच्छे कलमे के साथ, अच्छी बात के साथ, अच्छे बोल के साथ अगर तू अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है तो अपने आप को जहन्नम से बचा। रसूल करीम सल्लम पर जब काले के कायनात में ये आयात उतारी, वह अंदर अशीर तकल अखरबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अपने खानदान वालों को और करीबी अज़ा को आप डराइए और उनको अल्लाह जलाल का खौफ दिलाइए। रसूल करीम सल्लम ने अपने खानदान के लोगों को बुलाया, कुरैश की जमात को जमा किया, और जब वो इकट्ठे हो गए तो अल्लाह के नबी ने अपने खानदान के लोगों को जमा करके एक एक का नाम लेके फरमाया, या काब बिन लुवई, अनकिदू अनफसकुम मिनन नार, ऐ काब बिन लुवई अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, या बनी मुर्रा अपने काब, ऐ मुर्रा बिन काब अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, या बनी हाशिम, ऐ हाशिम की औलाद अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, या बनी अब्दे शम्स, ऐ अब्दुल शम्स के बेटो अपने आप को जहन्नम की आग से महफूज कर लो, या बनी अब्दे मनाफ, ऐ अब्दुल मनाफ के फर्जंदो अपने आप को जहन्नम की आग से महफूज कर लो, या बनी हाशिम, अनकिदू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, या फातिमा अनकिदी नफ्सक मिनन नार, मेरे आपके नबी अपने नख्ते जिगर से मुखातिब होते हैं, अपनी प्यारी बेटी से हम कलाम होते हैं और अपने जिगर के टुकड़े से महवे गुफ्तगु होते हैं, हजरत फातिमतुज़्ज़हरा को मुखातिब करके कहते हैं, अनकिदी नफ्सक मिनन नफ्सक नफ्सक मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, फइन्नी ला अम्लिकु लकुम मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हारा रब्बे जलाल के दरबार में जर्रा का भी मालिक नहीं होगा, मैं जर्रे का भी मालिक नहीं होगा। रसूल करीम सल्लम ने इस अंदाज से अपने करीबी अज़ा को, करीबी रिश्तेदारों को, हत्ता के अपने खानदान के लोगों को और अपनी सही बेटी हजरत फातिमतुज़्ज़हरा को मुखातिब करके फरमाया कि अपने आप को जहन्नम से महफूज कर लो, अमल करके, नेकी करके, इताअत करके, अल्लाह का हुक्म मान के, फरमा बरदारी करके, इताअतुल्लाह और इताअते रसूल को अपने दामन में भर के, शरीयत दीन और मजहब के ऊपर अमल करके अपने आप को जन्नत के लिए तैयार कर लो और अपने आप को जहन्नम से महफूज कर लो। और वो जहन्नम कितना सख्त मरला और कितना सख्त जगह है और वो कितनी बड़ी और कितनी सरकश चीज है, अरे आपके नबी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इस हदीस के रावी हैं, रसूल करीम ने फरमाया, यो तबे जहन्नम यौम इदिन लहा सबून अल्फ ज़माम, क़यामत के दिन जहन्नम को जब लाया जाएगा, क़यामत के दिन जब जहन्नम को लाया जाएगा,
जहन्नम की 70,000 लगाम होगी, 70,000 लगाम होगी। और मा कुल्ले जिमामिन सबकून अल्फा मलिक, और हर लगाम के ऊपर 70,000 फरिश्ता होगा जो उसको थामे हुआ होगा। और जुरून हा, और वो जहन्नम को खींच रहे होंगे, 70,000 फरिश्ते उसको खींच रहे होंगे। ये वो इतनी बड़ी और इतनी सरकश किस्म की वो जगह है। नबी मुअज्जम ने जहन्नम के मुख्तलिफ अंदाज में तआरुफ करवाया है। जहन्नम की चंद औसाफ जिक्र करने के बाद शायद आज मुझे और आपको जहन्नम की उस आग का एहसास नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को गुनाह से बचाने पर तैयार नहीं हूँ। आज मुझे जहन्नम की उस वादी की हौलनाकियों का अंदाजा नहीं है कि आज उससे बचाव का तरीका इख्तियार करने पर मैं तैयार नहीं हूँ। काश कि मुझे उसके औसाफ मेरे सामने रहे और मैं उसके अदाब को और उसकी सख्तियों को अपने सामने देखता रहूं, तो फिर अल्लाह अकबर मैं अपने आप को राह रास्त पे बरकरार रख सकता हूँ, सिराते मुस्तकीम पे चला सकता हूँ, सीधे रास्ते पे कायम रख सकता हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात निकले और किसी आदमी को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए देखा, और वो शख्स तहज्जुद की नमाज में ये आयतें पढ़ रहा था, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब वाकई होने वाला है और उस अजाब को कोई टालने वाला नहीं है। उमर बिन खत्ताब जब अल्लाह के अजाब के बारे में जहन्नम के अजाब के वकूअ की आयत सुनते हैं, वहीं से पलटते हैं और घर आते हैं। घर आने के बाद रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, पूरी रात रोते गुजर गई और सिर्फ रोने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि इस अजाब की शिद्दत को जहन में तसव्वुर करके और जहन में ख्याल करके एक महीने तक उमर बिन खत्ताब वल्ला बिस्तर पे पड़े बीमार पड़े रहे। सिर्फ यही खौफ उनको बीमार किए रखा कि जहन्नम की आग के वक्त जहन्नम की आग से किस तरह बचाव मुमकिन हो। रसूल करीम सल्लम जब उन आयात को पढ़ते थे और उन सूरतों को पढ़ते थे जिसमें जहन्नम का तस्करा होता था, रसूल करीम अल्लाह अकबर ज़ारो कतार गोया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लम की हालत यह थी, आप फरमाया करते थे, शैयबतनी हूद व अख़वातुहा, मुझे हूद और हूद जैसी बाकी सूरतों ने इसमें जहन्नम का तस्करा उनको बूढ़ा, उन्होंने मुझको बूढ़ा कर दिया। जब मैं उन सूरतों को और उन आयतों को पढ़ता हूँ जिसमें जहन्नम का जिक्र है, मुझे सिर्फ जहन्नम की फिक्र ने बूढ़ा कर दिया है। अल्लाह के नबी का बुढ़ापा कितना था, जब आप दुनिया से गए तो 20 से ज्यादा बाल सफेद नहीं थे, और वो 20 बाल भी सफेद हुए दुनिया की वजह से नहीं, माल की वजह से नहीं, दुनिया के गम की वजह से नहीं, सिर्फ जहन्नम के तस्करे ने उन 20 बालों को सफेद। रसूल करीम सल्लम जहन्नम का और जन्नत का झगड़ा जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नम आपस में झगड़ा करेंगी और तकरार करेंगी। तहाजतिल जन्नतु वन्नार, एक मरतबा जन्नत और जहन्नम ने आपस में बासो तकरार किया, एक दूसरी से झगड़ा किया। फ़कालतिन नार उज़िरतु बिल मुतकब्बिरीन वल मुतजब्बिरीन, आग कहने लगी कि मुझे तो तकब्बुर करने वाले और जुल्म करने वाले लोगों के साथ तरजीह दी गई, मेरे अंदर तो वो लोग डाले गए जो तकब्बुर करने वाले थे, फख्र करने वाले थे, जबर करने वाले थे, जुल्म करने वाले थे, मेरे अंदर तो उन लोगों को डाला गया। वकालतिल जन्नतु माली ला यदखुलुनी इल्ला ज़ुआफ़ाउन नास वसक़तुहुम, और जन्नत कहने लगी कि मेरे अंदर तो वो लोग आएंगे जो इंतहाई कमज़ोर किस्म के, मिस्कीन किस्म के और फ़कीर किस्म के लोग होंगे, वो जन्नत में जाने वाले और वो मेरे अंदर आने वाले हैं। छोटे किस्म के लोग मेरे अंदर आएंगे, छोटे तबके के लोग मेरे अंदर आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत से, कहते हैं अंते रहमती अरहम बिका मन अशा, तू मेरी रहमत है और तेरे जरिए मैं अपने बंदों में से जिस पर चाहूं कर रहम कर दूंगा। और वकाल लिन्नार, और आग से मुखातिब होकर फरमाते हैं, इन्नमा अंत अज़ाबुन उअज़िबु बिका मन अशा मिन इबादी, तू मेरा अदाब है और तेरे जरिए जिसे चाहूंगा अदाब से दो चार। जन्नत अल्लाह का अदाब है और जन्नत अल्लाह की रहमत है और जहन्नम अल्लाह का अदाब है। हत्ता के अल्लाह ताला फरमाएंगे
وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلُّهَا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بھرے گا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَذَا رِجْلَهُ آگ جہنم بھرے گی نہیں یہاں تک کہ خالق کی کائنات اپنا پاؤں اس میں رکھ دیں گے اور اسے کہیں گے ٹھہر جا ٹھہر جا فَهُنَالِكَ تَمْتَلِي وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ جب اللہ اپنا قدم اس میں رکھیں گے تو پھر وہ بھر جائے گی اور اس کا باغ باغ سے مل جائے گا اور وہ آپس میں سکڑ کے بھر جائے گی یہ وہ جہنم ہے اس میں سب سے پہلے کون لوگ ڈالے جائیں گے رسول کریم نے تین آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے سب سے پہلے جہنم کی آپ کو بھڑکایا جائے گا سلاستم اول ما تصور بالنار تین آدمی جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا فرمایا ایک وہ شخص جو اللہ کے دربار میں آئے گا اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے کہے گا اللہ تو نے مجھے بہترین جسم عطا کیا تھا خوبصورت جسم عطا کیا تھا میں تیرے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے جسم و جان کے ساتھ تیرے عبادت پہ لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں اتر پڑا اور تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہوئے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا میں اپنی جان بھی قربان کر دی اللہ اکبر کبیرہ خالق کی کائنات فرمائیں گے ٹھیک ہے کہ تُو نے اسلام کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی ہے لیکن تیرا مقصود میری رضا نہیں تھا تیرا مقصد میری خوشنودی نہیں تھا تُو میری رضا کے لیے میدان میں نہیں اترا تھا تُو اس لیے میدان میں آیا تھا کہ لوگ تیری شجاعت کے تذکرے کریں لوگ تیری بہادری کا ذکر کریں لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے لوگوں میں تیرا نام اور تیری شہرت قائم ہو جائے اور لوگوں میں تیرے تذکرے چلے کہ یہ فلاں نوجوان تھا جو اپنے محلے سے نکلا تھا میدان میں اترا تھا اور اس نے لڑتے ہوئے کفاروں کو تہ تہ کرتے ہوئے ان کے پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے اور ان کو سفاہستی سے مٹاتے ہوئے اور ان کو اللہ اکبر قتل کرتے ہوئے اس نے اپنی جان بھی پیش کر دی وہ نام اور وہ شہرت تم نے دنیا میں حاصل کر لیا ہے اب میرے دربار میں جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس ریاکار مجاہد کو خالق کی کائنات اوندے منہ جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیں گے اس کا یہ عمل جو ریاکاری کے اوپر مشتمل تھا جو دکھاوے کے اوپر مبنی تھا وہ اس کو جہنم سے بچا نہیں سکے گا بلکہ جنت میں لے جا نہیں سکے گا بلکہ اس کی اس ریاکاری کی وجہ سے اور دکھاوے کی وجہ سے اس کا اتنا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جائے گا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا بلکہ سب سے پہلے اس آدمی سے جہنم کی آگ کو بن جائے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرا شخص آئے گا اللہ پوچھے کہ کیا لے کے آیا ہے وہ کہے گا تعلم تو قرآن و علم تو ہو میں نے قرآن سیکھا تھا اور قرآن سکھایا تھا میں نے قرآن پڑھا تھا اور پڑھایا تھا یہ عالم اور قاری ہے جو لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا ہے خالق کی کائنات کے سامنے اپنا یہ عمل پیش کرے گا رب عزوجل کہے گا میں تیری نیت سے واقف تھا میں تیرے نیت سے واقف تھا وہ رب تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے میں تیری نیت سے آگاہ تھا کہ تیری نیت کیا تھی تو اس لیے لوگوں میں خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا تھا لوگوں کو دین سکھاتا تھا لوگوں کے سامنے گفتگو کرتا تھا کہ لوگ تیری تقریر کی اور تیرے وعظ کے تذکرے کرے لوگوں میں تیرا نام پیدا ہو لوگ تیری قرآن کا ذکر کرے اور نام اور وہ شہرت تُو نے دنیا میں حاصل کر لی ہے اب اللہ اکبر کبیرہ میرے دربار میں تیری یہ نیکی قابل قبول نہیں ہے تیرے دکھاوے کی وجہ سے تیرا یہ عمل برباد ہے خالق کی کائنات اس قاری اور عالم کو بھی پکڑ کے اوندے منہ جہنم کی آگ کے اندر ڈال دائیں گے تیسرا آدمی آئے گا اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آئے گا کیا لے کے آیا ہے اللہ اپنے انعامات کا تذکرہ کرے گا اپنی نعمتوں کو یاد کروائے گا تو تیرے اوپر میں نے یہ احسانات کیے تھے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا میں نے تیرا دیا ہوا مال تیرے رسے میں لٹا دیا تھا میں نے فقراء اور محتاجین کے گھر بھر دیے تھے میں نے فلاں موقع پہ اتنا تعاون کیا تھا میں نے فلاں یتیم کو اتنا دیا تھا میں نے فلاں مسکین کو اتنا دیا تھا وہ اپنی سخاوت کے تذکرے کرے گا جن جن لوگوں کو مال حوالے کیا تھا وہ ان کا نام لے گے اللہ کو بتائے گا خالق فرمائے گے میں تیری نیت سے واقف تھا تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تیری سخاوت کے تذکرے کریں لوگ تیری سخاوت کے تذکرے کریں وہ تذکرہ اور وہ شہرت وہ نام تو نے دنیا میں حاصل کر لیا اور وہ کما لیا ہے وہ نام تو نے دنیا میں حاصل کر لیا ہے اب میرے دربار میں جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے خالق کی کائنات پکڑے گے اور اس سخی کو جس نے اپنا مال لٹایا تھا اس سخی کو یہ مال فائدہ نہیں دے گا اور اللہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر اوندے منہ پھینک
نبی مرزم کے ایک فرمان بھی اس حوالے سے یاد رکھیں, مسلم احمد کی روایت ہے, میرے آپ کے بھی فرماتے ہیں, ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, مجھے سب سے زیادہ اگر تمہارے اوپر کسی چیز کا ڈر اور خوف ہے تو وہ شرک اصغر ہے. قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر, صحابہ پوچھتے ہیں حضور وہ شرک الاصغر کسے کہتے ہیں, وہ شرک اصغر کیا چیز ہے جس کا آپ سب سے زیادہ خوف محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا الریا, نبی مولانا فرماتے ہیں وہ شرک اصغر ریا اور دکھاوا ہے, دکھاوے کے لیے عمل کرنا یہ شرک اصغر ہے. ان اللہ تبارک و تعالی یوم یجازی عباد بعمالہم, رب ذوالجلال جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو فرمائیں گے اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون بعمالکم, چلے جاؤ انہیں کے پاس جن کے سامنے تم دکھا کے عمل کیا کرتے تھے, جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں عمل کرتے تھے, اب تمہارے ان اعمال کی رضا میرے پاس نہیں ہے, تم اپنی ان نیکیوں کا اجر لینا چاہتے ہو تو انہیں سے حاصل کر لو جن کے سامنے دکھایا کرتے تھے اور جن کے لیے کیا کرتے تھے. اور فانظروا هل تجدون عندهم جزاء, دیکھ لو کیا ان کے پاس تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے کہ نہیں ہے. یہ حدیثیں بتاتی ہیں نبی معظم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے ایک گروہ ریاکاروں اور دکھاوا کرنے والوں کا بھی ہے, وہ نماز کے اندر ہو, صدقے کے اندر ہو, وہ اللہ اکبر کبیرہ تعلیم کے اندر ہو, وہ تعلم کے اندر ہو, سیکھنے کے اندر ہو یا سکھانے کے اندر ہو, جس کام میں بھی اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی آدمی دکھاوے کے لیے کام کرے گا وہ آدمی کو جہنم کی آگ کے اندر لے جائے گا. جہنم کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے یہ بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں, فرمایا فانذرتکم ناراً تلظی, میں نے ڈرایا تم کو اس آگ سے جو دہکتی ہے, جو دہکتی ہے وہ آگ عام آگ نہیں, وہ دہکتی ہوئی آگ ہے, لا یصلاها الا الاشقى, اور اس آگ میں بدبخت لوگ داخل ہوں گے. اللہ وہ کون بدبخت ہیں جو اس آگ میں جانے والے ہیں, دہکتی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. الذی کذب و تولا, یہ وہ ہے جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے, اس نے جھٹلا دیا اور منہ پھیر لیا ہے. اللہ کے احکام اس کے پاس آتے ہیں, اللہ کی شریعت اس کے پاس آتی ہے, اللہ کا دین اس کے پاس آتا ہے, لیکن یہ اسے جھٹلا دیتا ہے اور اسے منہ پھیر لیتا ہے. بس یجنب الاتقا, لیکن جو متقی پرہیزگار ہیں وہ اس سے بچنے والے ہیں. الذی یؤتی مالہ یتزکا, اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آئے گا اور جو اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا, اس کا سٹیٹس جدراہٹ بھی اس کے کام نہیں آئے گی, اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی اس کو نہیں بچا سکے گا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب, وہ ابو جہل جو سب سے بڑا منکر رب ذوالجلال کا, اللہ کے پیغام کا, اللہ کے دین کا, اللہ کے نبی کا, اللہ کہتے ہیں وہ شعلوں والی آگ کے اندر چلا جائے گا, شعلوں والی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا. سیصلا نارا ذات لہب, وہ لپٹیں مارتی ہوئی, لاٹیں مارتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر قلقصر, جہنم کی آگ جب اپنی چنگاریاں نکالے گی, جہنم کی آگ جب اپنی چنگاریاں نکالے گی تو وہ چنگاریاں بڑے بڑے قصر اور بڑے بڑے محلات کی طرح اونچی 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 چنگاریاں جہنم کی آگ سے نکلے گی. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لا انہا لذا, بے شک وہ شعلے ہیں, ہرگز نہیں, بے شک وہ شعلے ہیں, نزاعت للشوا, اور وہ آگ ایسی سخت قسم کی آگ ہے جب کسی کے چہرے اور سر پہ لگے گی سر کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی, چہرے کی چمڑی کو بھی ادھیڑ کر. انہا لگا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولا, اور یہ اس کو پکارے گی جا
जो मुंह फेर गया, जिसने पीठ फेर ली और मुंह फेर लिया, मैं देखूं आज मैंने दीन इस्लाम के किन किन कामों से मुंह फेर लिया है, मैंने शरीयत के किन उमूर से मुंह फेर रखा है। शरीयत ने मुझे जिन कामों का हुक्म दिया था, शरीयत ने मुझे तौहीद पर चलने का कहा था, शरीयत ने मुझे आखिरी अमीर इत्तेबा का हुक्म दिया था, शरीयत ने मुझे सुन्नत नबी को अपनाने का हुक्म दिया था, शरीयत ने मुझे हराम छोड़ने का हुक्म दिया था, शरीयत ने मुझे वाजिब पर अमल करने का कहा था, शरीयत ने मुझे अल्लाह अकबर सूद पर करने का कहा था, शरीयत ने मुझे जिना से दामन बचाने का हुक्म दिया था। देख कहीं मैं इन सारे अहकाम से मुंह फेर तो नहीं चुका। और वो जहन्नम तदऊ मन अकबर व तवल्ला, वो पुकारेगी जिसने मुंह फेर लिया और पीठ फेर ली, व जमा फऊआ, और जिसने माल जमा किया और उसको इकट्ठा किया, माल जमा करने और इकट्ठा करने में लगा है। जहन्नम की आग का जिक्र करते हुए मेरे आपके नबी जहन्नम के हल्के से हल्के अज़ाब का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, हजरत नौमान बिन बशीर की यह रवायत जो सही मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी कहते हैं, इन अहवन अहलिन नार अज़ाबन मन लहू नालान व शिराकान, जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब उस आदमी को होगा जिसके पाँव में जहन्नम के आग के दो जूते होंगे और जहन्नम की आग के दो तस्मे होंगे। और उस आग की शिद्दत का अंदाजा लगाइए, ये सबसे हल्का अज़ाब है जहन्नम का, सबसे हल्का अज़ाब है जहन्नम का, जिस आदमी के पाँव में आग के दो जूते होंगे और उसके दो तस्मे होंगे, यानी यगली मिनहुमा दिमागू, और आग के उन दो जूतों से जो उसके पाँव में पड़े हुए हैं उसका दिमाग खौलेगा, जिस तरह हंडिया चूड़े पे चढ़ी होती है और हंडिया का पानी और शोरबा खोलता है, उस दो जूतों से उस जहन्नमी का दिमाग भी उसके सर के अंदर इस तरह खोलेगा और इस तरह उब लेगा। मा यरा अन्ना अहदा अशद्द मिन्हु अज़ाबन व इन्नहु लअहवन अज़ाबा, और वो शख्स भी कहेगा कि शायद जहन्नम का सबसे सख्त अज़ाब मुझे हो रहा है, सबसे सख्त अज़ाब मुझे हो रहा है। वो शख्स जिसको सबसे हल्का अज़ाब हो रहा होगा वो ख्याल करेगा कि सबसे सख्त अज़ाब मुझे हो रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के औसाफ का जिक्र करते हुए ये भी फरमाया है, जहन्नम की आग इतनी शदीद आग है, सही बुखारी की हदीस है, नारुकुम जुज़ुम मिन सकीना जुज़ुम मिन नार जहन्नमा, तुम्हारी ये आग जहन्नम की आग का 17वां हिस्सा है, 17वां हिस्सा है। अगर आप जहन्नम की आग को 70 हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा आपके पास दुनिया में है, और इसके मुकाबले में जो जहन्नम की आग है वो इससे 69 दर्जे ज्यादा गर्म है, से तो ये आग भी बर्दाश्त नहीं होती। कीला या रसूल अल्लाह इम्कान अपना काफियतन, किसी ने सवाल किया अल्लाह के नबी जलाने के लिए तो ये आग ही काफी थी, मजीद 70 गुना बढ़ाने की जरूरत तो नहीं थी। इम्कान अपना काफियतन मारा खुद लिलक अलैहिन्न बितिसतिन व तिस्कीन बिसित्तीन जुज़अन कुल्लुहुन्ना मिस्लु हर्रेहा, खालिक कायनात ने उस आग को इससे भी ज्यादा 69 दर्जे ज्यादा गर्म किया है, और हर एक दर्जे की गर्मी इस आग की गर्मी के बराबर है। जहन्नम की गहराई का जिक्र करते हुए, बल्कि आज गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, इस दुनिया की गर्मी के बचाव के लिए अगर मैं कूलर का बंदोबस्त कर रहा हूँ, एसी का बंदोबस्त कर रहा हूँ, और अपने घर के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं UPS लगवा लूँ और मैं को बिजली की बंदिश का जो हल तलाश कर लूँ, तो सोचूँ कि एक इससे भी शदीद गर्मी मेरे सामने पेश होने वाली है और इससे भी सख्त गर्मी का मैंने सामना करना है। और ख़ास तौर पर नबी मुहम्मद ने यह फरमान, मुझे और आपको इस गर्मी की बिना पे उस गर्मी को याद करना होता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, कुन्ना हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी के पास थे, रसूल करीम ने फरमाया, इस्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने अल्लाह की तरफ शिकायत की,
जहन्नम ने अल्लाह से शिकायत की, ऐ रब मेरा बाज मेरे बाज हिस्से को खा रहा है, मेरा कुछ हिस्सा मेरे कुछ हिस्से को खाता है, आग जलती बढ़ती है तो आग आग को खा रही है। और अल्लाह ताला ने फिर जहन्नम को दो सांस लेने की इजाजत दी। देखिए जब आग को बंद कर दे तो आग बुझ जाती है, चूल्हे के अंदर भी अगर आग के हजारों को आप ऊपर से बंद कर दे तो आग, आपको जब हवा नहीं मिलेगी तो आग चलती, हवा मिलती है तो आग जलती है। तो जहन्नम कहने लगी कि मेरा बाज हिस्सा मेरे बाज हिस्से को खाए जा रहा है, अल्लाह से शिकायत की। तो फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को दो सांस लेने की इजाजत दी, नफ्स फी शिता व नफ्स फी सैफ, एक सांस सर्दी में और एक सांस गर्मी में। व अशद्द मा तजिदूना मिन ज़म्हरीर, सख्त सर्दी भी जहन्नम का एक सांस है और सख्त गर्मी भी जहन्नम का एक सांस। एक हदीस के लफ्ज़ है, अब्रदु बिस्सलात फइन्न शिद्दतल हर्र मिन फई जहन्नम, नमाज को ठंडा करो बेशक गर्मी की शिद्दत ये जहन्नम के सांस और जहन्नम के फूंकने से, जहन्नम के सांस में से है। मुझे इस गर्मी के अंदर अपने आप को अगली गर्मी को भी अगली गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस गर्मी से अल्लाह मेरा दामन महफूज कर ले। जहन्नम की गहराई का जिक्र करते हुए मेरे आपके नबी फरमाते हैं, एक दफा सहाबाए किराम की मजलिस में तशरीफ फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी कहते हैं तदरूना महादा, साहबा की जमात मेरे साथियों जानते हो ये किस चीज की आवाज है, ये किस चीज के गिरने की आवाज है। साहबा कहते हैं अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, उसके रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह के नबी कहते हैं हादा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार, ये एक पत्थर है जो जहन्नम में फेंका गया था, आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था। फहुवा यहवी फिन्नार, 70 साल पहले से फेंका हुआ पत्थर वो आज तक वो चलता रहा नीचे गिरता रहा, हत्तल आन इंतहा इला कारहा, और आज ये जो आवाज आई है ये उस पत्थर के जहन्नम के अंदर गिरने की आवाज है। और एक हदीस के लफ्ज़ है, लौ अन हजरा मिस्ल, लौ अन हजरा मिस्ल सबए खलफा, अगर एक इतना भारी पत्थर जो 7 ऊंटों के बराबर वजनी हो, 7 ऊंटों के बराबर वजनी हो, 7 ऊंटों के बराबर वजनी पत्थर जहन्नम के किनारे पे रख के नीचे गिरा दिया जाए तो उसको जहन्नम की गहराई तक पहुंचने के लिए 70 साल लगेंगे, 70 साल। जहन्नम की आग का जिक्र करते हुए मेरे आपके नबी ने फरमाया, उसके मुख्तलिफ मर्तबे हैं, मिनहुम मन तखुदु नार इला काबैहि, किसी को जहन्नम की आग उसके टखने तक लगेगी, किसी को जहन्नम की आग उसके घुटने तक छुएगी, किसी को जहन्नम की आग उसके कूल्हे तक लगेगी, किसी को जहन्नम की आग उसकी हंसली की हड्डी तक आएगी और उसकी गर्दन के करीब तक। मुख्तलिफ जहन्नम के तबकात और दर्जे हैं और आग इस अंदाज से बंदों को लपेटे। जहन्नम की जखामत का जिक्र करते हुए मेरे आपके नबी ने फरमाया कि जहन्नम कितनी बड़ी है, रसूल करीम फरमाते हैं इन्ना खिलाजा जिल्द अल काफिर इस्नान व 40 ज़िराअन, काफिर का जहन्नम में जाने के बाद उसका जिस्म का चमड़ा इतना मोटा हो जाएगा, उसकी जिल्द इतनी मोटी हो जाएगी, खालिक की कायनात अजाब देते हुए उसके जिस्म को इतना बढ़ा देंगे कि उसका चमड़ा 40 हाथ के बराबर होगा, 42 हाथ स्नान बहुना जिलान, उसके चमड़े की मोटाई वो 42 हाथ हो जाएगी, जिस्म कितना बड़ा होगा। रसूल करीम फरमाते हैं वह इन नजर सहु मिस्ल उहद, और जहन्नमी की उहद जहन्नमी की दाढ़ उहद पहाड़ के बराबर, और उसका जिस्म कितनी जगह को घेरेगा। फरमाया इन मजलिसहु मिन जहन्नम मा बैन मक्का वल मदीना, जहन्नमी अपने इस बड़े जिस्म के साथ अल्लाह उसको अजाब देने के लिए जब उसके जिस्म को बढ़ाएंगे
उसका जिस्म इतनी जगह घेरेगा जितनी जगह मक्के से लेकर मदीने तक 425 किलोमीटर का वो फासला बनता है। काले की तादाद बेहतरीन के जिस्म को इतना बढ़ा देंगे और उसके जिस्म को इतना फैला देंगे कि उसका जिस्म बैठने के लिए एक शख्स का जिस्म इतनी जगह घेर लेगा जितनी मक्के से मदीने तक। सईदान सईद की रवायत है जिसका अमन बाली ने बोले जिक्र किया है और एक रिवायत के लफ्ज़ है मा बैन मनकिबे अल काफिर बसीरत सलासत अय्याम लिराकिब अल मुसरि। आदमी जहन्नमी के काफिर के इस कान की कोंपल से लेकर उसके कंधे तक का फासला वो 3 दिन के मुसाफत के बराबर होगा। अगर एक तेज घोड़ा चलाने वाला शख्स तेज घोड़ा दौड़ाने वाला शख्स 3 दिन तक घोड़ा अपना दौड़ाता रहे फिर जाके वो कंधे से लेकर कान की इस लौ तक का फासला तय करेगा। इतना नतारा जिस्म को बढ़ा देंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का एक कौल जो कि मुस्लिम नौ अहमद के अंदर मौजूद है वो अपने शागिर्द से कहते हैं अददरी माँ से अतु जहन्नम। हजरत मुजाहिद से कहते हैं कि मुजाहिद को जानता है जहन्नम कितनी बड़ी है जहन्नम की वसत कितनी है। लेकिन नहीं मैं तो नहीं जानता। कहता तुझे बताता हूँ। फरमाया जहन्नमी के कान और कंधे के दरमियान 70 साल की मुसाफत का फासला होगा और अल्लाह अकबर जमीरा और उसके दरमियान पीप की और खून की वादियां बहती होगी। यहां से यहां तक पीप और खून की वादियां बहती होगी। मैंने कहा शगिर्द कहता मैंने कहा नहरें होंगी। कहते नहीं वादियां बहती होंगी। और अल्लाह अकबर कबीरा और फरमाते हैं क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी जिसको हजरत आयशा बयान करती थी पर अर्जु जमीन कवदत हुदोम क्यामा सारी की सारी जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी क्यामत के दिन और आसमान भी अल्लाह के दाएं हाथ में लपेटे हुए होंगे। तो लोग कहाँ होंगे उस वक्त अपनी आयशा कहती है अल्लाह के नबी से फरमाती है लोग कहाँ होंगे उस वक्त जब जमीन भी अल्लाह की मुट्ठी में जबान भी अल्लाह आसमान भी अल्लाह के दाएं हाथ में फिर उस वक्त नबी अल्लाह फरमाते हम अला जसर जहन्नमा उस वक्त लोग जहन्नम की पुल के ऊपर पूरी कायनात के लोग जहन्नम की पुल इससे जहन्नम की वसत का अंदाजा लगा लें कि वो पुल कितना बड़ा है कि पूरी दुनिया के लोग उस पुल के ऊपर होंगे जब आसमान भी अल्लाह की मुट्ठी में और जमीन भी अल्लाह के आसमान भी अल्लाह के दाएं हाथ में और जमीन भी अल्लाह की मुट्ठी में। इसलिए ये जहन्नम के मुख्तलिफ औसाफ है। इसके अलावा भी कुरान मजीद ने जहन्नमियों का खाना जिक्र किया है जहन्नमियों का पीना जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह अकबर के तीरा जहन्नमियों को जो खाना मिलेगा वो कांटेदार दरख्त का खाना होगा और इन शजरत ज़ुकूम ताम अथीम ज़ुकूम का दरख्त ये जहन्नमियों का खाना होगा गुनहगारों का खाना होगा। ख्याल करना गुनहगारों का खाना होगा। कल मुहर यखली फिल बुतून ये तांबे की तरह अल्लाह अकबर लोगों के पेटों में खौलेगा और उबलेगा पानी गर्म पानी के उबलने की तरह। अल्लाह ताला कहेंगे खुजू हो फातिलू हो या सवाइल जहीम इसको पकड़ो और इसको जहन्नम की तरफ ले आओ। सुम सुबू फौक रसिहिम मिन अज़ाबिल हमीम अमीन अज़ाबिल हमीम फिर गर्म पानी का अजाब इसके सर पर डालो। ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम चख तो बड़ा बाइज्जत बना हुआ था और बड़ा अल्लाह पर गालिब था तो दुनिया में और बड़ा बाइज्जत था। इन हादा मा कुंतुम बिही तमतरून ये वो जहन्नम है जिसके अंदर तुम शक किया करते। नबी कहते हैं अगर उस जख्म का एक खतरा दुनिया में आ जाए तो पूरी अहले दुनिया का रहना सहना मुश्किल हो जाए पूरी अहले दुनिया का रहना बर्बाद और बिगाड़ चुका। फरमाते हैं जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा उनको खाने के लिए मिलेगा तो कांटेदार दरख्त का खाना मिलेगा ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जू जो उसकी भूख को भी नहीं मिटाएगा और उसको मोटा भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाते हैं कि जहन्नमियों को जो खाना मिलेगा वो जहन्नमियों की पीप होगी लोगों के जख्मों का पानी और लोगों की पीप उनको मिलेगी उसको वो गले से उतारना चाहेंगे तो उतरेगी नहीं मौत की तमन्ना करेंगे हर तरफ से मौत उनको घेर लेगी लेकिन वो मरेंगे नहीं और उनके पीछे सख्त अदाब भी आने वाला। इसलिए
मुझे और आपको इस जहन्नम से डरना चाहिए, अपने आप को हर उस काम से बचाना चाहिए जो जहन्नम की आग की तरफ धकेलने वाला है और जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। नबी मुअज्जम ने हमें उन आमाल के हवाले से मुतनब्बे किया है जो जहन्नम की आग से महफूज करने वाले हैं और जहन्नम से बचाने वाले हैं, और हमें नबी मुअज्जम की नसीहतों को कीमती समझते हुए और नबी मुअज्जम के फरमान पर अमल करते हुए अपने आप को पूरी तरह उन आमाल से महफूज करना चाहिए जो जहन्नम में जाने का सबब बनने वाले हैं या जहन्नम के करीब करने वाले हैं। मैं इख्तिसार के साथ चंद ऐसे आमाल जिक्र करता हूँ ताकि मैं और आप उन गुनाहों से अपने आप को बचा लें जो जहन्नम की आग की तरफ ले जाने वाले। सूरह मायदा है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हरम अल्लाह अलैहिल जन्नत, बेशक जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम किया है। वमावाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। मेरे आपके नबी फरमाते हैं मन माता वहुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दा, जिस आदमी को इस हालत में मौत आई कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को आवाजें देता चला गया और पुकारता चला गया, उस हई और कयूम जात के होते हुए अल्लाह के नेक बंदों को जो दुनिया छोड़ के चले गए और अल्लाह अकबर कब्रों में पहुंच गए, मदद के लिए उनको पुकारते चला गया और अपने दुखों का इलाज उनसे करवाते चला गया और अल्लाह अकबर अपनी मुश्किलों का हल उनसे करवाता चला गया, अपनी बीमारियों मुसीबतों में उनके सामने निदा करता चला गया। मम माता वहुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दा, जो आदमी दुनिया से गया इसको मौत आई कि इस हालत में आई कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता चला गया, दखल अन्नार, इस जुर्म की सजा के तौर पे वो जहन्नम की आग करना चाहिए। वो अज़्ज़ब फरमाते हैं जहन्नम अपनी गर्दन को निकालेगी क्यामत के दिन, उसकी दो आंखें भी होंगी और दो कान भी होगी जिससे वो सुनेगी और दो आंखों से वो देखेगी और एक ज़बान होगी जिससे वो बोलेगी और वो कहेगी इन्नी वुकिल्तु बिसलासत, तीन बंदे अल्लाह ने मेरे सुपुर्द कर दिए हैं, बेकुल्ले जब्बार अनीब, हर जाबिर जालिम सरकश बंदा भी मेरे सुपुर्द है, बेकुल्ले मन दआ अल्लाह इलाहन आखर, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना के रखा है वो जालिम भी मेरे सुपुर्द है और जहन्नम की आग के अंदर वो मेरे अंदर जलेगा। और तीसरा जो तस्वीरें बनाने वाले हैं वो भी जहन्नम की आग में जाने वाले हैं। रसूल करीम का इरशाद गिरामी है जहन्नम में जाने वाले लोगों का जिक्र करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मा असफल मिनल काबैन मिनल आज़ार फिन्नार, इंसान की सलवार चादर और पैंट का जो हिस्सा टखने से नीचे है वो जहन्नम की आग के अंदर जलने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने वाले हैं वो भी जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु फइन्ना लहु नार जहन्नम, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं उनके लिए जहन्नम की आग है, खालिदीन फीहा अबदा, और जहन्नम की आग में हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं अलम यालमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, या उन लोगों ने यह नहीं जाना जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है उनके लिए जहन्नम की आग है और वो जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं। ज़ालिका खिज़्युल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। जहन्नम में जाने वालों की एक जमात वो भी है जिसका कुरान ने ये जिक्र किया फी जन्नति यतसालून, जन्नती एक दूसरे से सवाल करेंगे और पूछेंगे, मुजरिमों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुमको जहन्नम की सकर वादी में किस चीज ने फेंका है। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा जुर्म यह है कि हम नमाजें नहीं पढ़ा। जो बेनमाज है वो भी कहाँ जाएगा, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है और सबसे फजीलत वाला रास्ता मोहम्मद करीम का रास्ता है, वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, और कामों में से बदतरीन काम बिदअतें और नए काम की याद करना है, वकुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदत गुमराही है, वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही भी जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। इससे मालूम हुआ कि शख्स दीन में नया काम करता है, जिस काम पे जिस अमल पे खालिक के कायनात की और मोहम्मद करीम की मुहर नहीं है
किताब सुन्नत में जिसका हवाला नहीं है, आज मैं उसको नेकी समझ के कर रहा हूँ और उसको अल्लाह अकबर इबादत समझ के कर रहा हूँ, लेकिन शरीयत में उसका सबूत नहीं है, वो बिदत है और वो बिदत भी जहन्नम की आग की तरफ ले जाने वाली है। सूरह करीम का फरमान है, वो शख्स किसी मुसलमान भाई से ना ताल्लुक होता है और 3 दिन के बाद फिर भी उससे ताल्लुक नहीं जोड़ता, दखल नार, वो भी जहन्नम की आग के अंदर से। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है मुझे और आपको मुसलमान होने के नाते से हर उस काम से बचाना चाहिए जो जहन्नम की आग में जाने वाला है। कुछ वो लोग भी हैं जो जहन्नम की आग से बचने वाले हैं, तो कौन से लोग हैं? अल्लाह के नबी का फरमान, मन मात लहु सलासतुम मिनल वलद वसबर, जिसके 3 बच्चे फौत हुए और उसने सबर किया, खालिक कायनात 3 बच्चे की वफात के बाद उनकी वफात पर सबर करने की वजह से हर्रम अल्लाहु अलैहि नार, उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है, बशर्ते कि उसके दामन पे शिर्क का धब्बा मौजूद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बेटियों को नौसत समझने वालों जरा गौर से सुनना इस फरमान को, लैसा अहदु मिन उम्मती यऊलु सलासा बनात, मेरी उम्मत का वो फर्द जो 3 बच्चियों की परवरिश करता है और उनके ऊपर एहसान करता है, क़यामत के दिन वो 3 बच्चियों जिनकी बाप अच्छे अंदाज से तरबियत करता है, उनको पहनाता भी है, खिलाता भी है और उनकी दीनी तरबियत भी करता है, क़यामत के दिन वो 3 बच्चियां जहन्नम की आग के सामने रुकावट बन के। जो शख्स किसी मुसलमान की इज्जत का दिफा करता है, मेरे सामने किसी को बुराई करता है और मैं उसकी इज्जत का दिफा करता हूँ, वो मौजूद नहीं है, उसकी पीठ पीछे मैं उसकी इज्जत का दिफा करता हूँ, रसूल करीम फरमाते हैं खालिक कायनात उस आदमी को जहन्नम की आग से महफूज कर देते हैं। मेरे आपके नबी फरमाते हैं, जिस बंदे ने 40 दिन मन सल्ला अरबईन यौमन फी जमातिन, जिसने 40 दिन तकबीर उला के साथ किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी, खाने के कायनात 40 दिन तकबीर उला के साथ किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले बंदे के लिए 2 परवाने लिखते हैं और 2 परवाने अता करते हैं। नंबर 1, बराअतु मिनन्नार, वो शख्स जहन्नम की आग से भी आजाद है और वो शख्स मुनाफिक भी नहीं है जो 40 दिन तकबीर उला के साथ दुनिया की किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता। रसूल करीम का फरमान है, मन कान सहलन हय्यनन लय्यनन, जो आदमी नरम खूह है, नरम मजाज है, मीठा है और नरम मजाज रखता है, लोगों से घुल मिल जाता है, खालिक कायनात ने उसके ऊपर भी जहन्नम की आग को हराम करार दिया है। रसूल करीम का फरमान है, लैया लेकिन्नार, वो शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जो तुलुए शम्स से पहले की नमाज भी पढ़ता है और गुरूबे शम्स के पहले की नमाज भी पढ़ता है, फजर और असर की नमाज के ऊपर, फजर और असर की नमाज के ऊपर जो पाबंद है वो जहन्नम की आग में दाखिल। और इस वक्त हमारी अगर छोड़ती है तो कौन सी दोनों नमाजें छोड़ती हैं? फजर असर छोड़ती है। रसूल करीम फरमाते हैं, जो फजर और असर की नमाज के ऊपर पाबंद है उसको अल्लाह जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। रसूल करीम का इरशाद गिरामी है, जिस बंदे के ऊपर जिहाद की मट्टी लग गई उसके ऊपर भी अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम करार दिया है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, 2 आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, 1 वो आंख जो अल्लाह के डर से रो पड़ती है और आंसू बहा लेती है, और 1 वो आंख जो रात की तारीकी में जिहाद के मैदान में पहरा देती है, उन 2 आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। आखिरी फरमान मेरे आपके नबी का फरमान, मन हाफ़ज़ा 4 रकअतें क़ब्ल ज़ुहर, जो ज़ुहर से पहले भी 4 रकअत पढ़ता है और ज़ुहर के बाद भी 4 रकअत की पाबंदी करता है, खाले की कायनात ने उस बंदे पे जहन्नम की आग को हराम करार दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको वो काम करने की तौफीक नसीब फरमाए जो जहन्नम की आग से बचाने वाले हैं, और उन कामों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए जहन्नम की आग में ले जाने वाले हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब।